सी ऑडियंस को डेफिनेटली लगा होगा कि वो डिजर्विंग है, दैट्स द रीज़न ऑडियंस ने उन्हें जिताया है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑडियंस का शो है और जनता का हुक्म सर आंखों पर उन्होंने उसे जिताया है. मेरे फेवरेट तो ऑफकोर्स राहुल थे और उसके रीजंस भी मैंने काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में दिए हैं. आई सपोर्टेड राहुल वैद्य और रुबीना को, जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उनकी मनचाही मेंबर बिग बॉस जीती है. और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है, उनके फैसले से बढ़कर और कोई फैसला नहीं है. एंड ऑफ द डे दे आर आवर माय बाप और वो जो चाहेंगे वही होगा. उनका फैसला हमेशा सराखों पर रहेगा और आई विश रुबीना a very happy and prosperous life ahead and all my love and all my wishes to her and even to Rahul and each and every contestant who was there in grand finale, because being a big boss contestant, ex big boss contestant, main janti hu us ghar mein rehna kitna mushkil hai. It's not that easy, it's a very very difficult journey aur jisne bhi ye journey पूरे एंड तक तय की है उन सभी को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो ये कर पाए, बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली टफ. ओ माय गॉड, दोज आर लाइक आजकल तो मतलब पूरे मीडिया के आँखों के तारे बने हुए हैं, वो जहाँ भी दिखाई देते हैं बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ. जब मुझे पता चला कि लाइक यू नो दिशा इज़ राहुल्स गर्लफ्रेंड, तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैं उन्हें पंखुड़ी के रूप में जानती थी इन हर शो. प्यार का दर्द है, दैट वाज द शो. एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर राहुल की ज़िंदगी में इतनी प्यारी लड़की है.